दोस्तों, बचपन से हर किसी ने सुना है कि सदाचार सबसे महान गुण है। सदाचारी मनुष्य जिंदगी में हमेशा सफल रहता है। यह बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन आचार्य चाणक्य की माँ ने तो हद से ज्यादा सरल और सदाचारी होना महान दुख का कारण बताया है। आचार्य चाणक्य ने सदाचारी मनुष्य के बारे में एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताई है, जिसे हर इंसान को जरूर याद रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में जो पेड़ बहुत सीधे होते हैं, लोगों के द्वारा बहुत जल्दी काटे जाते हैं, और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ठीक इसी तरह जो इंसान हद से ज्यादा सीधा होता है, उसे जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। सीधे समझकर लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। यदि जिंदगी में सुखी रहना है तो मनुष्य को हद से ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने एक और बात बताई है। वे कहते हैं कि हमें गुड़ की तरह इतना अधिक मीठा भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमें खा जाए, और इतना अधिक कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि लोग हम पर थूकने लगे। वास्तव में आचार्य चाणक्य ने जैसे के साथ वैसा व्यवहार करने के लिए कहा है। यदि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा और बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। यदि बुरे व्यक्ति के साथ सज्जनता का व्यवहार किया जाता है, तो वह बुरा व्यक्ति हमारी सज्जनता का गलत फायदा उठा सकता है। इसीलिए समय की नजाकत को देखते हुए परिस्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल और सुखी रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह आगे भी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।